काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है। अब राजभवनों में दूसरे राज्यों के स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। अपना भोजन स्वयं बनाते, हरे पेड़ पौधे खुददार, पत्ती इनका चूरा समझो, जिस पे हो भोजन तैयार, चूल्हे को मिलती है गर्मी, सूरज की जब पड़े किरण, पत्ती में जो पर्ण हरिम है, बड़े मत के उनके कर, जड़े चूसती जल धरती से, जिसमें हो खनिज लवण, CO2 मौजूद हवा में, पत्ती कर लेती तब तक, इसके बाद बने जो भोजन होता कार्बोहाइड्रेट। सब्जी खाती हो? यस सर। सब सब्जी खाती हो? नहीं नहीं, कुछ तो होगी जो पसंद नहीं आती होगी। घर में कोई सब्जी होगी जो तुम्हें पसंद नहीं आती होगी? सर करेला। हाँ। सर मुझे आपके प्रशंसा में एक कविता याद है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं? तुम कवि हो क्या? सर याद है कवि। चलो बता दो। मन नायक श्रेष्ठ विधायक, विश्व चेतना के अधिनायक, राष्ट्र धर्म प्रिय सराबोधि, दलित प्रेरणा सोच महान, जय मोदी जय हिंदुस्तान। जो काशी है विकास का मॉडल बनके बाकी राज्य जो है बाकी शहर है उनके लिए भी एक उदाहरण बनकर उभर रहा है। बिल्कुल, आज हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ी है। आज PSU में आप देखते हैं कि सुविधाओं का विस्तार हुआ है। आर्थिक ढांचा तो निश्चित तौर पर आप देखें सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया गया है कि वाराणसी और उसके आस पास रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसे बेहतर हो, तो पुष्करो के लिए ज्यादा अवसर पैदा करने की योजनाएं चलाई गई है। अब ये यात्रा पूरा कर चुकी है और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है उनको इस योजना से जो लाभ भी मिला है, इस योजना से वो जुड़े हैं। फिलहाल आज वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ाते हुए, और यहाँ भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो बातचीत है वो की, जो फिलहाल एक महिला लाभार्थी हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और साथ ही जो दूसरे लाभार्थी हैं उनसे बातचीत की कि किस तरीके से सरकार की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल पाया है अभी तक, और साथ ही साथ जो लोग जिनको लाभ नहीं मिला है उनको किस तरीके से लाभ मिल सकता है, कैसे हम उनको योजना से जोड़ सकते हैं, इस बात की जो जानकारी। काशी में रोड शो के दौरान PM मोदी ने अपने काफिले को रोक एम्बुलेंस को दिया रास्ता। टावर, ये इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग,
ये है, और करीबन 4,500 से ज़्यादा यहाँ दफ्तर हैं, और हम मान सकते हैं कि एक बड़ा मंच जहाँ पर बहुत सारे डायमंड के व्यापारी और सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र बनेगा हीरे के लिए, हीरा है सदा के लिए, और साथ ही साथ ये डायमंड बोर्स भी इस डायमंड सिटी को एक अलग पहचान देता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये इसके लिए जाने जाते हैं, यॉर्कर इनकी प्राथमिकता है, ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। क्लीन बॉल्स, वो विकेट जो चाहिए था, जहाज बनकर खुद उड़ रहे हैं, सामने बल्लेबाज को उड़ा दिया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को उसी के घर में वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बुरी तरह हराया है। यह मुकाबला रविवार 17 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में खेला गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने अफ्रीकी टीम का यह फैसला गलत साबित किया।